बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। आज मेरी जिसने वीडियो नाना लाइक और शेयर किया, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी हमारे घर से क्या निकला है आज। अभी मजा आएगा ना। और यकीन जाने इतना खौफ आया कि मैंने दौड़े लगा दी है, मेरे बच्चों ने भी दौड़े लगाई है। देखे सामान बिखरा पड़ा है ना, ये मैंने ना स्टोर खाली किया है और स्टोर से वो चीज़ें निकली है ना कि मेरी चीखें निकल गई हैं, तो मुझे खुद बड़ा डर लग रहा है। लेकिन ये देखिए ये डब्बा, ये सारा इसमें मैंने वो जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, मतलब कि गाड़ी का सामान था या मतलब और चीज़ें थी, वो मैंने कॉटन में पैक करके रखी। लेकिन कसम से इसके अंदर से इतनी डरावनी चीज़ें निकली हैं कि मुझे खौफ आ गया है। तो मैंने ना दौड़े लगा दी, मेरी चीख निकल आई है, बच्चे भी डर है। और मैं मज़े की बात है, मैंने ये देखो डंडा रखा, डंडे के साथ मैं ना मतलब कि काम कर रही हूँ, चीज़ें हिला रही हूँ कहीं कुछ अंदर से। ये देखे मैं ऐसे ऐसे ना पकड़ के निकाल अंदर चूहा भी बैठा हुआ है, अंदर एक चूहा चोरी सा बैठा हुआ है, मुझे उससे डर लग रहा है। देखो कितनी मजे की बात है, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे चूहे से डर लग गया, क्योंकि मैं चूहे से मुझे एलर्जी भी और डर भी लगता है और कॉकरोच भी है। तो जिस मैडम ने पकड़ा हुआ ना कैमरा, मजे की बात है वो मेरे से ज्यादा डर रही है। तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है मैं बचाने वाला, एक मर्द है ये वाला, तो ये खुद डर रहा है। हाँ जी डर रहे हो ना, नहीं डर लग रहा। चलो चलो फिर अंदर जाओ, स्टोर साफ करो। शाबाश। तो ये कहता मुझे डर नहीं लग रहा भाई, मुझे तो डर लग रहा है। मैं जाओ ना, मैं कभी किसी चीज से नहीं डरी, मैं ना चूहे से डरती हूँ यकीन जाने बहुत ज्यादा। हमारे घर से चूहा निकला, मैंने नहीं कभी मारा ना उसको, कभी देखा ही है। मेरे हस्बैंड पकड़ते हैं मारते हैं, वही चूहे सारे पकड़ते हैं। आजकल बारिश हो रही, चूहे बहुत ज्यादा आ रहे हैं घरों में। तो मैं ये क्यों सफाई कर रही हूँ सारी, मतलब जो एक्स्ट्रा सामान निकाल रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों मैं घर की सफाई करने लगी हूँ और क्या टेंशन बन गई हमें क्यों घर फौरन खाली करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। ज़रा मुझे चूहे को साथ लड़ाई करने दो, ये डंडा मैंने देखे पकड़ा हुआ है, तो कसम से मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ करें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना निकल आए जिससे मुझे घर छोड़ कर भागना पड़े। तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़रा मैं चूहे के साथ ना लड़ाई कर लूँ। ज़रा देखे जी, मैं आपको कॉकरोच दिखाने लगी, ये देखे ज़रा, ये देखे भाग रहे नज़र आ रहे हैं, ये देखे इतना कॉकरोच बन गया ना। और यकीन जाने यहाँ की हम सफाई करते रहते हैं, ये नहीं कि नहीं खुलता नहीं, स्टोर खुलता है, इसमें से चीज़ें निकालते हैं रखते हैं, सैनिक रोजो को चीज़ ना लड़ जाए बेटा। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा, और मुझे बड़ा कसम से डर लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसको साफ करूँ। कॉकरोच ने बच्चे दिए हैं, चूहों ने बच्चे दिए हैं, तो मैं काफ़ी दिन से झाड़ू और डंडा दोनों हथियार पकड़े हुए, मज़े की बात मुझे डर भी बड़ा लग रहा है। दुआ करें जी हम आज अपने सफ़र में कामयाब हो जाएं, वरना आज नहीं तो मैं बस इधर से कुछ चूहा निकल जाए, वरना चूहा निकला मैंने दौड़ लगा देनी। ये देखें ऐसे कोई शौक चढ़ा था कि कोई बात, ऐसे सामान फेंक रही हूं, चूहे ने वो देखें वो किया होगा। ये देखें जी वही कॉकरोच बहुत ज्यादा है, कॉकरोच देखे हमारे घर कितने हो, ये दीवारों पे, ये देखें सर, ये देखें दीवार। और मज़े के बाद मैं आप लोगों को चूहे के कटूते दिखाऊँ, ये मेरा नया पर्दा है। यकीन जाने ये मैंने स्पेशल वेलवेट के पर्दे बनवाए थे, ये खाना ख़राब के बच्चे ने ना चूहे ने, मेरे हाथ लग जाए इसका मैं जनाजा निकाल दूँ। ये देखें ये देखें मेरे पर्दे का क्या हाल कर दिया चूहे ने, ये देखें वो ये इतने महंगे पर्दे हैं ना, तो मेरे हाथ चूहा लग गया ना कसम से, आज उसको मैंने दवाई डाल के ना पैर में फेंकाना, अब मुझे नए पर्दे लाने पड़ने। मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया पर्दे को ना, ये देखें। और मेरे इन्होंने ना वो डेक की तारे भी सारी है पीछे से मैंने आज सारा निकाला, ये है हाँ ये देखें जी, ये मेरी डेक की तारे मतलब के साउंड सिस्टम की तारे भी सारी चूहों ने कुतर दी है सारी, यकीन जाने मेरी चीज़ों का तह नस कर दिया, कोई हाल नहीं मेरे घर का। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मेरा भी दिल करता मैं घर छोड़ दूँ ये वाला, तो वो कहते हर घर में चूहे आ रहे हैं, और हर घर में चूहे आ रहे हैं, ये नहीं कि हमारे घर में चूहे हैं। चले हर देखते हैं चूहों से तैयार निपट लेते हैं। कॉकरोच बहुत निकल रहे हैं जी हमारे घर से, चूहे और कॉकरोच। ये इसमें एक चूहा है, जो हम चार बंदे इसको लगे हैं, हमसे चूहा नहीं निकला बाहर, और एक बंदा हमने स्पेशल चूहे के लिए मंगवाया, वो हमसे ज़्यादा डर रहा है। हाँ भाई बोल, चूहा निकालेंगे कि नहीं? कहती मैं नहीं निकालूंगी, बड़ी बहादुर बोल, कहती मैं निकाल दूंगी, अब वो डर रही है। ठीक है तो जी देखिए इन लोगों का तमाशा देख रहा है, ठीक है चलो जाओ।
ये ले जी, ये देखे जी, मैंने सारा इधर से भी जो मैंने कह रही थी ना कि चूहे वगैरह है इसमें, ये अब ईंटे रह गई हैं तो मैंने सारा धो दिया। ये मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे डर है कि इसके नीचे कोई चीज़ ना हो। तो बकाया देखे मैंने सारा कमरा सफाई करके धो दिया अच्छी तरह। ये देखे हमारी दीवारें ख़राब हो गई हैं सारी, ये बारिशें आई उसकी वजह से ना। अभी अलमारियाँ पड़ी हैं इधर, तो मैंने वैसे सारा गंद निकालना था, निकाल दिया धो बना के, अच्छा कर लिया क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गंद था, चूहों ने ना उधम मचाई हुई थी। तो ये देखे हमारी ऊपर से भी वो थोड़ा सा गीला हुआ है, उधर से भी पानी आया हुआ है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने दिखाया है। ये मैंने चूहों का घर ख़त्म किया है, कॉकरोच और चूहे, यकीन इतना डर लग रहा था मुझे आज ना। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, मेरी वीडियो पूरी देखना, और मैं इंशाल्लाह ने और वीडियो बनाऊंगी, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये मैंने रूम किस लिए साफ़ किया और क्यों किया है, क्योंकि मैंने अभी नहीं बता सकती, अभी मेरे पास भी कोई नहीं है कि मैंने किस लिए किया है। जब हो जाएगा काम पूरा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये मेरी छोटी सी आज की वीडियो थी, तो जो मैंने बहन भाई के साथ शेयर की थी, और फ़नी वीडियो थी आज, क्योंकि इतना मजाक बना हुआ था, हम डर रहे थे, हंस रहे थे, चूहे को कुछ भाग रहे थे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी कर देना। तो मैंने सारा सामान सोफ़े वगैरह बाहर निकाल के रखे हुए हैं अब, तो जब घर को आएगा मर्द तो फिर ये देखे सोफ़े वगैरह इधर मैंने रखे हुए हैं, कुछ इधर रखे हुए हैं, इस तरह मैंने चीज़ें ना, इसलिए स्टैंड भी वो पड़ा है, इसी तरह मैंने ना बस सामान कहीं किधर को किधर ऐसे रख दिया बस, क्योंकि जगह नहीं थी। और मैंने धोना था अंदर, तो ज़ाहरी बात सारा सामान निकाल दी तो फिर धोना था, तो निकाल दिया है, अल्लाह खैर करे। तो अब दोबारा रखेंगे और मैं बता दूंगी आप लोगों को मैंने किस लिए मतलब ये कमरा फारिग किया है। तो मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।